नमस्ते सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को और सभी स्टूडेंट्स को। हाय, मेरा नाम वंदना सरोज है। अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो उससे जुड़ी हुई जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ये सब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। अब मैं बात करती हूँ एजुकेशन लोन की सब्सिडी स्कीम के बारे में, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जिनकी पेरेंट्स की इनकम काफी कम है, तो उनको आगे पढ़ाई में सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एजुकेशन लोन की सब्सिडी स्कीम निकाली है। इस सब्सिडी स्कीम का नाम है सेंट्रल स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी। तो शॉर्ट फॉर्म में आपको ज्यादातर बैंक्स की वेबसाइट पे ये CSIS के नाम से दिखेगा। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेती हूँ कि इसमें क्या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा आपको गवर्नमेंट की तरफ से। जिस भी स्टडी कोर्स के लिए आप ये एजुकेशन लोन लेते हैं, तो उस स्टडी कोर्स के कंप्लीट होने के बाद 1 साल तक और, या फिर जैसे ही आपका स्टडी कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जॉब आपको मिल जाती है, उसके बाद भी 6 महीने तक और, तो इन दोनों में से जो भी पहले हो उसको मोरेटोरियम या रीपेमेंट हॉलिडे पीरियड बोला जाता है। तो इस टोटल मोरेटोरियम पीरियड में जितना भी इंटरेस्ट बनेगा एजुकेशन लोन का, जो कि सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, वो सारा गवर्नमेंट पे करेगी बैंक को। मोरेटोरियम पीरियड के खत्म होने के बाद स्टूडेंट को या फिर पेरेंट्स को ही लोन की ईएमआई भरनी शुरू करनी है। आपको कोई सिक्योरिटी, कोई प्रॉपर्टी, कोई गोल्ड, कुछ भी कोलेटरल जिसको बोलते हैं, कोई भी सिक्योरिटी बैंक को देने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी और पर्सन की, किसी और आदमी की गारंटी देने की जरूरत होती है, थर्ड पार्टी गारंटी। मैक्सिमम लोन अमाउंट इस सब्सिडी स्कीम के अंडर 7.5 लाख तक मिल सकता है, और वो भी सिर्फ इंडिया में स्टडी करने के लिए, अब्रॉड में नहीं। इस सब्सिडी स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने कैनरा बैंक को नॉमिनेट किया है। तो आपके बैंक की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन, या उनको इंटरेस्ट लेना है आपके एजुकेशन लोन का, तो वो कैनरा बैंक से ही डायरेक्टली बात करेंगे। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब लिखा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये बेल आइकन घंटी का निशान आएगा, उस पे क्लिक करके आपने ऑल सेलेक्ट करना है। वीडियो पसंद आई तो यहां से वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ यहां से शेयर करें। अब मैं बात करती हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में। तो कौन कौन इस गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम को अपने एजुकेशन लोन पे ले सकता है? आपकी फैमिली की टोटल साल की इनकम 4.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये 4.5 लाख जो है ये एनुअल इनकम है, और ये सारे सोर्सेस को मिला के इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सोर्सेस का मतलब है, सपोज आपके पेरेंट्स खेती बाड़ी करते हैं, फार्मिंग में है, तो जो फार्मिंग इनकम है वो, और अगर कोई जॉब करते हैं या कोई शॉप है या रेंटल इनकम है तो वो सोर्सेस भी। तो सारे सोर्सेस से जो इनकम आ रही है वो 4.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1 साल में। सेकेंड, कोई भी ऐसा लोन अमाउंट जो कि 1 अप्रैल 2009 के बाद से डिसबर्स हुआ हो। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन ये सारे टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेज NAAC या NBA से एक्रीडिटेड होने चाहिए। इसके लिए मैं आगे स्क्रीन पे बात करूंगी। CSIS सब्सिडी स्कीम को आप सिर्फ एक बार ले सकते हैं, या आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए ले लीजिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ले लीजिए। ये सब्सिडी स्कीम आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए भी ले सकते हैं, जो कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जिसमें आप एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये स्क्रीन पे मैंने वेबसाइट या वेब एड्रेस दिए हैं जिन पे आप सर्च कर सकते हैं कि जिस कोर्स या स्टडी के लिए आप जा रहे हैं वो NBA या NAAC से एक्रेडिटेड कोर्स या इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी है या नहीं। अगर आपका स्टडी कोर्स NAAC या NBA से एक्रेडिटेड नहीं है और आप फिर भी उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको अप्रूवल लेना होगा अपनी रेस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडी से। लाइक अगर आप MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं और तो आपको MCI से अप्रूवल लेना होगा। अगर आप नर्सिंग कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं तो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना होगा। एंड सेम वे अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। अगर आपका स्टडी कोर्स होटल मैनेजमेंट या टूरिज्म में है तो ये लिंक मैंने दिया है, तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी सारे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स और टूरिज्म इंस्टीट्यूट्स की, जो कि एलिजिबल है इस एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम के लिए। अब मैं बात करती हूँ आप इस सब्सिडी स्कीम के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट एजुकेशन लोन की वीडियो में बताया है कि आप विद्यालक्ष्मी पोर्टल से भी एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए मेरी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं।
तो आपने जैसे विद्यालक्ष्मी पोर्टल में लोन अप्लाई किया है, तो उसके बाद आपके पास सारे बैंक्स के ऑफर आ जाएंगे बहुत जल्दी कि कौन कौन से बैंक्स आपको एजुकेशन लोन दे सकते हैं और कितना दे सकते हैं और क्या उस पे इंटरेस्ट रेट होगा। तो उसके बाद जब भी आप अपना बैंक सेलेक्ट करते हैं कि मुझे इस बैंक में अपना एजुकेशन लोन की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ानी है, आप लोन लेने के लिए बैंक ब्रांच विजिट करते हैं, तो वहां से आपको अपनी सब्सिडी स्कीम के लिए बात करनी होगी और अप्लाई करना होगा। आपका काम सिर्फ ये है कि बैंक के थ्रू आप एजुकेशन लोन अप्लाई करो और साथ में सब्सिडी स्कीम के लिए भी अप्लाई करो, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसके बाद गवर्नमेंट या फिर जो कैनरा बैंक है उनसे टाइप करना आपके बैंक का या आपके बैंक ब्रांच का काम होगा। अगर ये सब्सिडी स्कीम आपको मिलती है तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपके लोन में ऐड होंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है इनकम सर्टिफिकेट। तो ये इनकम सर्टिफिकेट दिखाएगा कि आपके फैमिली की या पेरेंट्स की टोटल इनकम सारे सोर्सेस को मिला के एनुअल इनकम 4.5 लाख से ज्यादा नहीं है। साथ में बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट, तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कम डिक्लेरेशन आपको साइन करना होगा, साथ में इंटरेस्ट सब्सिडी एग्रीमेंट आपको साइन करना होगा। सारे स्टेट्स की जो इनकम सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी है उनके नाम मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। बात करती हूँ किन स्टूडेंट्स को ये सब्सिडी स्कीम नहीं मिलेगी, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी है या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको उनके कॉलेज या स्कूल ने निकाल दिया था डिसिप्लिनरी एक्शंस की वजह से या फिर एकेडमिक ग्राउंड्स की वजह से। तो लाइक अगर आप स्टडी में बहुत वीक थे या फिर डिसिप्लिन इश्यू थे कुछ, तो आप कॉलेज या स्कूल से निकाले गए हैं तो भी आप इस स्कीम को नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपको अपनी पढ़ाई मेडिकल ग्राउंड की वजह से छोड़नी पड़ी, जैसे कि कोई सीरियस हेल्थ इश्यू था उसकी वजह से आपको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, तो उसके लिए आप अपने कॉलेज से या स्कूल से कोई सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट ला सकते हैं जहां पे ये मेंशन हो कि आपके मेडिकल या हेल्थ इश्यूज की वजह से आपको ये अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी। तो ये एक तरह का प्रूफ होगा जो कि दिखाएगा कि क्या रीजन था पढ़ाई को बीच में छोड़ने का, तो उसके बाद ये सब्सिडी आपको मिल सकती है। अगर आप ये सब्सिडी स्कीम लेते हैं और उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो भी एक बेनिफिट आपको और मिलेगा। जो आपकी कॉलेज की डिग्री होगी उस पे एक टैग या छोटा सा मार्कर होगा जो कि ये दिखाएगा कि आपने सब्सिडी स्कीम के अंडर लोन लिया हुआ है और आपके ऊपर रीपेमेंट की लाइबिलिटीज जिम्मेदारियां हैं, आपको लोन रीपे करना है। तो इससे जो इंटरव्यूअर है या जो जॉब जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको इजिली पहचान पाएंगे कि हाँ इन्होंने लोन लिया है, इनको लोन भी चुकाना है और इस सब्सिडी स्कीम के अंडर इन्होंने लोन लिया है, तो थोड़े से चांसेस आपके बढ़ जाएंगे जॉब को लेने के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत ही ना करें, आप अच्छे से पढ़े, ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा हेल्प होगा ताकि आपको जॉब इजिली मिल सके और आप लोन रीपे कर पाए। अगर जो स्टडी पीरियड है प्लस 1 साल और इस टाइम में जो भी इंटरेस्ट बनता है जो कि सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, तो वो अगर गवर्नमेंट बैंक को देना शुरू कर देती है तो 1% आपका इंटरेस्ट रेट और कम हो जाता है। स्क्रीन पे मैंने कुछ और एजुकेशन लोन की सब्सिडी स्कीम्स के नाम दिए हैं, तो अगर आपको लगता है कि CSIS जो स्कीम मैं डिस्कस कर रही हूँ ये आप नहीं ले पाते हैं, तो और भी बहुत सारी स्कीम हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि एजुकेशन या एजुकेशन लोन से ही जुड़ी है। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है जो कि सिर्फ सब्सिडी स्कीम के बारे में है तो आप कैनरा बैंक का जो ये लिंक मैंने दिया है यहाँ पे अपनी इंक्वायरी रख सकते हो और साथ में उसको ट्रैक भी कर सकते हो। ये थी मेरी वीडियो CSIS एजुकेशन लोन की सब्सिडी स्कीम के बारे में। इसके अलावा एजुकेशन लोन कैसे ले, उसका इंटरेस्ट रेट आप बैंक से कैसे कम करा सकते हैं, मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, आपको कितनी कोलेटरल या सिक्योरिटी बैंक को देनी पड़ती है, कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन या ऐसी कोई भी क्वेरी एज अ स्टूडेंट लाइक अगर आपके मन में है या फिर आपके पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके मन में है, तो आप एजुकेशन लोन की मेरी वीडियो देखें और सारे डाउट्स आपके एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर। जय
ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस पाने के लिए वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब लिखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये बेल आइकन घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके आपने ऑल सेलेक्ट करना है। वीडियो पसंद आई तो यहाँ से वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ यहाँ से शेयर करें।